हमारा नाम प्रीति है और हम खरड़ से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे सेवन मंथ स्टार्टिंग में आए थे। बेबी की थैली थी वो ब्लास्ट हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को लीकेज हो गई थी सारी, तो मैं इमरजेंसी में आई थी रात को। तो यहाँ पे डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट भी दिया, डॉक्टर एकावली ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, उनका नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था तो उन्होंने सारा केयर करी। हफ्ता में एडमिट भी रहे यहाँ पे, उसके बाद फिर उन्होंने डिलीवरी करी। तो उसके बाद तो फिर निको के हैंड हो गया था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया निको में सब ने। अब बेबी मेरा बॉर्न हुआ था तो 800 ग्राम्स का था, तो उसके बाद इसका कम भी हुआ था, 600 तक आया था। उसके बाद फिर इसने वेट गेन करना शुरू किया तो अब इसका वेट हो गया है 1450 हो गया है। तो अब इसका कल डिस्चार्ज हो जाएगा, ये 2 महीने का हो जाएगा कल। केयर करके इसका ये हो गया कि इसको कुछ भी इतना ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा हाई क्वालिटी के लगते हैं, वो भी नहीं ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर की भी नहीं यूज़ करना पड़ा। तो बिना ज़्यादा मेडिसिन थे ये बहुत अच्छे से इसका ट्रीटमेंट हो गया। सबने इतना मतलब केयरिंग थे कि हम आराम से घर जा रहे थे, हमें ये टेंशन नहीं थी कि बेबी किसके पास है किसके पास नहीं है या बेबी को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, केयर होगी उसकी कि नहीं। और डॉक्टर मृगिंद का था कि वो तो बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन डॉक्टर ने हमेशा पॉजिटिव ही बोला कि आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, आपका बेबी एक्टिव है, ठीक रहेगा। तो सब उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लास्टली मैं डॉक्टर मृगिंद है, मृगिंद का सच में बहुत अच्छे से हैं कि उनका तो थैंक यू तो बोलना भी, हम बोल भी नहीं सकते उनको इतना थैंक यू कि इतना अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है। स्टाफ तो बहुत अच्छा है, निको का स्टाफ बहुत अच्छा है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से केयर करी है। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बताएंगे उसको कि हाँ आपने यहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि केयरिंग तो है यहाँ पे, स्टाफ भी अच्छा है यहाँ पे। तो उस स्टाफ से सबको थैंक यू मेरी तरफ से पूरे इंटायर स्टाफ को।